हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन यानी कि मसल्स और हड्डी के संबंधी जो अलग अलग कंडीशन होती है, इसमें शुरुआती स्टेज यानी कि इंजरी होने के 2 या तो 3 दिन में जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो, सही समय पे सारवार करते हो, तो इनका रिकवरी टाइम पे बहुत ही गहरा असर होता है। अगर आप सही समय पर सही ट्रीटमेंट कर दे तो आपका रिकवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो जो कंडीशन होती है वह वर्सन भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम ऐसी एक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के बारे में डिस्कशन करने वाले, और वह है एंकल स्प्रेन। हमारा जो एंकल होता है, एंकल के दोनों साइड पर लिगामेंट होते हैं जो कि हमारे एंकल को पकड़ के रखते हैं। अगर आप किसी अनइवन सरफेस पे चलने जाते हो और आपका पैर मुड़ जाता है, वहां पर मोच आ जाती है, ट्विस्ट हो जाता है, तो इनकी वजह से जो लिगामेंट होते हैं उनके फाइबर फट जाते हैं, इनको एंकल स्प्रेन बोला जाता है। और 90% केस में हमारा पैर अंदर की साइड ही मुड़ता है और इनकी वजह से जो बाहर के लिगामेंट होते वह फट जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यह इंजरी होने के तुरंत बाद बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाता है, पेन भी बहुत ही ज़्यादा होता है, हमारा जो फुट होता है वह एंकल से हील नहीं पाता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम हमारे पैर पर वेट नहीं दे पाते, इसीलिए चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको देखे जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो प्योर एंकल ट्विस्ट है यानी कि एंकल स्प्रेन है, या तो फिर वहाँ पर फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो यह दोनों कंडीशन में आपको मैं जो यहाँ पर ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वह शुरुआती स्टेज में शुरू कर देना, यानी कि 2 से 3 दिन आपको यह ट्रीटमेंट घर पर ही करनी है, उनके बाद आप डॉक्टर को दिखाने जा सकते हो। यहाँ पर आपको मैं ऐसा एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ आपको एंकल स्प्रेन और फ्रैक्चर में काम लगेगा, पर इनके अलावा भी बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में यह फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला है। यहां पर जो फॉर्मूला है वह है राइसर, यानी कि राइस प्लस आर। यहां पर आर का मतलब होता है रेस्ट, आई यानी कि आइस, सी यानी कि कंप्रेशन, ई यानी कि एलिवेशन, और आर का मतलब होता है रिफर टू डॉक्टर। एंकल स्प्रेन या तो एंकल की इंजरी होने के तुरंत बाद आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है, जरा भी वेट अपने फुट पर नहीं देना है, फुट को जरा भी हिलाना नहीं, क्योंकि जो भी फाइबर टूट गए, लिगामेंट स्प्रेन हुआ या तो फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको जोड़ने के लिए आपको कंप्लीट रेस्ट देना जरूरी हो जाता है। अगर आप मूवमेंट करते रहते हो या तो वेट देते रहते हो अपने फुट पर, तो जो भी लिगामेंट के फाइबर टूट गए वह जुड़ेंगे नहीं, और जो भी फ्रैक्चर हुआ है वह भी ज़्यादा डिसलोकेट हो सकता है, इसीलिए आपको तुरंत कंप्लीट रेस्ट लेना जरूरी होता है। आइस एप्लीकेशन आपको हर एक घंटे 10 मिनट के लिए आइस करना जरूरी होता है थियरी के हिसाब से, पर अगर आप दिन में 5 to 7 times 10 मिनट के लिए आइसिंग करते हो तो वह भी इनफ है। आइस करने से जो भी सूजन होता है वह कम हो जाता है, वहाँ पर पंपिंग इफेक्ट आती है, इनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है, इसीलिए आपको आइस भी शुरू कर देना है। कंप्रेशन देना है फुट और एंकल के आसपास, आपको क्रेप बैंडेज से कंप्रेशन देना है, किस तरीके से क्रेप बैंडेज बांधना होता है, उनकी टेक्निक क्या होती है, इनके फायदे क्या होता है, इनके लिए हमने अलग से एक वीडियो अब बनाया हुआ है, तो वह वीडियो आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको सही टेक्निक समझ में आ जाए, इनकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर कंप्रेशन देने से वहाँ पर पंपिंग इफेक्ट आती है, इसलिए ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो भी स्वेलिंग आई है, जो भी पेन करने वाले केमिकल्स होते हैं वह आउट हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारा पेन भी कम हो जाता है और हीलिंग भी जल्दी से होने लगता है। एलिवेशन आपको खास देना जरूरी है, आपको लेट जाना है, हार्ट लेवल से पैर को ऊपर रखना है, तकिए पे पैर को रख देना है, इसी कंडीशन में आपको पैर को रखना है, इनसे जो भी सूजन, जो भी फ्लूइड कलेक्ट हुआ है वह कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, इनकी वजह से ब्लड वेसल्स और नर्व्स के ऊपर जो कंप्रेशन आ रहा है वह हट जाता है, हीलिंग प्रोसेस जल्दी होने लगती है, इसीलिए आपको पूरे दिन एलिवेशन में पैर को रखना है, पैर को जमीन पर लटका के नहीं रखना है, इनसे स्वेलिंग बढ़ सकती है।
तो यह चार स्टेप्स आपको फॉलो करने, अगर दो या तो तीन दिन के लिए डिसिप्लिन के साथ आप यह राइस फॉर्मूला फॉलो करते हो और आपका पेन और सूजन 70-80% गायब हो जाते हैं, आपकी एंकल की मूवमेंट इजी हो जाती है, आप अपने फुट पर वेट दे सकते हो, तो फिर और एक हफ्ते के लिए यह राइस फॉर्मूला आपको कंटिन्यू रखना है। इनके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। पर अगर आपका पेन दो या तो तीन दिन के बाद कम नहीं हो रहा है, सूजन भी कम नहीं हो रहा है, तो फिर आपको रिफर टू डॉक्टर, यानी कि हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वह हमें फॉलो करना है, यानी कि डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना है। डॉक्टर एक्सरे निकालेंगे, एक्सरे से पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें अगर माइनर फ्रैक्चर होगा तो यही फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि राइस फॉर्मूला, और अगर मेजर फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर प्लास्टर लगाएंगे या तो फिर सर्जरी भी करनी जरूरी हो जाती है। अगर एक्सरे से फ्रैक्चर नहीं निकलता है, यानी कि एंकल स्प्रेन हो सकता है, एंकल स्प्रेन कौन से ग्रेड का हुआ है वह देखने के लिए MRI या तो सोनोग्राफी करवाने को बोलते हैं। इनसे पता चलता है कि एंकल स्प्रेन ग्रेड 1, 2 या तो 3 का है वह हमें पता चल जाता है। अगर एंकल स्प्रेन ग्रेड 1 या तो 2 का है तो फिर से हमें यही राइस फॉर्मूला फॉलो करना होता है, और अगर एंकल स्प्रेन ग्रेड 3 का है, यानी कि कंप्लीट लिगामेंट टेयर हुआ है, तो डॉक्टर प्लास्टर लगाएंगे या तो फिर सर्जरी भी करनी जरूरी हो जाती है। तो यह राइस फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एंकल स्प्रेन के अलावा भी बहुत सारी कंडीशन में यह फॉर्मूला हमें काम लगता है, तो यह फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, इनको अच्छी तरीके से मगअप कर लीजिए। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।